कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर जो विवाद था वो थम नहीं रहा था, लेकिन अब मोहन भागवत के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ट्वीट कर लिख रहे हैं कि भगवान के सामने तो स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इसमें भी ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण को लेकर क्या वस्तुस्थिति है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ट्वीट कर लिखते हैं कि जाति व्यवस्था पंडितों ब्रैकेट में ब्राह्मणों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। एक और ट्वीट में वो लिखते हैं कि भाई, यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित अपमानित करने वाले टिप्पणियों को हटवाए, मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। मतलब यहां तक तो ऐसा था कि माहौल बनना ट्विटर पर शुरू हो गया था और हैशटैग भी वायरल होने लगा था। हैशटैग भी ये लिखा जा रहा था कि भाई भागवत माफी मांगो, और इस तरह के हैशटैग के साथ जो है कई तरह के बयानबाजी, कई तरह के कमेंट्स जो है वो किए जा रहे थे। यहां पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल जो इस फील्ड में आ जाती है और दोबारा वो लिखती है कि भाई भगवत जी, आरएसएस और जनसंघ का तो गठन ही दलितों पिछड़ों के खिलाफ हुआ था। गांधी जी के छुआछूत मिटाओ आंदोलन से डॉक्टर हेडगेवार असहज थे और नाराज थे। दलितों पिछड़ों के खिलाफ संघ और भाजपा का स्टैंड सभी जानते हैं। आजादी के बाद संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू करने का आंदोलन संघ ने किया था। एक और ट्वीट में मीडिया से लिखता है कि हिंदू को मुसलमान से संघ और भाजपा ने लड़वाया, पिछड़ों को आपस में भाजपा और संघ ने लड़वाया, दलितों को आपस में भाजपा और संघ ने लड़वाया, धर्म और जाति के नाम पर सबको आपस में लड़ाकर ही भाजपा ने सत्ता प्राप्त की। अब जब दलित पिछड़ा एकजुट हो रहा है तो भाजपा और संघ में खलबली है। तो देश भर में चर्चा का विषय मोहन भागवत तो थे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इनके बयान को लेकर काफी ज्यादा जो है गर्मा गर्मी चर्चा जो है वो की जा रही थी। लेकिन यहां जानने की जरूरत यह भी है कि मोहन भागवत का ऐसा कौन सा बयान था जिसको लेकर इतनी ज्यादा गहमा गहमी थी। शाश्वत सुखाचं निधान आहे असं म्हणतात ते काय आहे, तसं खरंच ते आहे का? सांगोवांगी जाणार नाही, प्रत्यक्ष प्रतिती पाहिली आणि ती त्यांनी पाहिली, रामानंदाच्या संगतीत ती प्राप्त करून घेतली आणि त्यांना ज्ञान झालं। सत्य हाच ईश्वर आहे, ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ठ झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे, आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। तो आपको बता दें, कल रविदास जयंती थी और उस जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई में मोहन भागवत ने यह बयान दिया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर जो है चर्चा काफी ज्यादा तेज की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के बाद ये जो है एक नया विवाद बनकर सामने आया है और जिसको लेकर हैशटैग भी काफी ज्यादा ट्रेंड किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो काफी तेज से वायरल है, जिसमें भाई ये वीडियो गाजियाबाद का है और गाजियाबाद के जो एलिवेटेड रोड पर रील्स बन रही है, रील्स थमने का नाम नहीं ले रही, पुलिस वाले रोक ही नहीं पा रहे इन रील्स वालों को। अब एक नया रील जो है वो बनकर सामने आया जो कि बहुत हैरान कर देने वाला है।
इस वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा गया कि ये जिला गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड जहां रील्स बनाने वालों ने बनाया मनोरंजन का अड्डा। वायरल वीडियो को लेकर कमिश्नरी पर उठे सवाल। वायरल वीडियो में छलकते जाम और खुलेआम हो रही फायरिंग खोल रही है गाजियाबाद पुलिस की पोल। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बकायदा गले में बंदूक लटकाकर और साथ में हाथ में जाम है। और ये ऐसी रोड है, ये एलिवेटेड रोड जो गाजियाबाद की है, ये ऐसी रोड है कि जहां पर आए दिन जो है कुछ ना कुछ वीडियो, कोई ना कोई गाड़ी के साथ, कभी टहलते हुए तो कभी मैडम का वीडियो, ऐसे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। और गाजियाबाद पुलिस पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने सारे रील्स और इतने सारे मुकदमे, इतने सारे ट्रैफिक पुलिस के चालान के बावजूद जो है यहाँ पर रील कैसे बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग बहुत बेखौफ हैं, बाकायदा गले में बंदूक लटकाए, हाथ में जाम लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जो है पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बाकायदे से पुलिस कहते नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का संज्ञान लिया गया जो कि एलिवेटेड रोड का इंदिरापुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत बताया गया है। इसमें चार पांच युवक एक फॉर्चूनर गाड़ी के साथ मार्ग को अवरुद्ध करते हुए शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में इन लोगों ने हथियारों का भी प्रदर्शन किया है। मामले का तुरंत संज्ञान लेकर इनकी जांच की गई, जिसमें यह गाड़ी जो है राजा चौधरी चिरंजीव विहार कविनगर का पाया गया है। इनके विरुद्ध और इनके साथियों के विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी इनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो जरा देखिए। तो भैया इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आप यूपी तक की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।